माँ जी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके बेटे का गुस्सा तो बढ़ रहा होगा। इजल, अरे और कितना टाइम लगाओगी तुम? कोई काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। देखिए ना माँ जी, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। इजल, जैन तुम 2 मिनट नहीं रुक सकते? पकड़ा है ना खाना? इसे लेकर जाओ तुम। ठीक है, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ला जाओ। थैंक गॉड, आज खाना तो ठीक वक्त पर आ गया। सेजल, तुम ना किसी काम की नहीं। पापा और मैं कब से भूखे बैठे, खाना तक ठीक से नहीं बनता। जैन, क्या हमेशा उससे डांटते रहते हो? सीख जाएगी धीरे धीरे। माँ, आप ही ने ना इसको अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। मेरी लाडली बहू, मेरी लाडली बहू। घबरा मत, मैं हूं ना। अरे यार, अब ये खाने के वक्त पर कौन आ गया? हाँ सर, ये आपका पार्सल आया है। पार्सल? जी हाँ। पर भेजा किसने? सर, एक तो आप पड़ा हुआ पार्सल लेके आया हूँ और ऊपर से मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। तो हमने अभी तक तो किसी को एड्रेस नहीं दिया, तो पार्सल कैसे आ गया? अरे भाई, 4 दिन हुए हैं, हमें यहाँ पर आए हुए हैं, पार्सल कैसे आ सकता? अरे बेटा, पार्सल पे नाम किसका है वो तो देखो। अरे माँ, नाम ही तो सफाचट है। ये लीजिए अपना पार्सल, चाहे आप इसे रखिए चाहे इसे फेंक दीजिए, आपकी मर्जी। और ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। पापा, इसके अंदर तो कुछ अजीब सी चीज है। किसने भेजा है हमारे घर ऐसा? चिट्ठी? आपको ये चिट्ठी इसलिए लिख रही हूं कि आपको बता सकूं कि आप कितने बड़े जल्लाद हैं। आपको जला देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए और नरक में सड़ाना चाहिए। जो आप मुझसे करवा रहे हैं वो गलत है। मैंने कर जरूर दिया है और आपको इस चिट्ठी के साथ भेज रही हूं। लेकिन अब बस, अब मैं आपके लिए ये घोर पाप नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब उसे मारना है या नहीं आप देखो। मैं अपने गांव बरोलपुर वापस जा रही हूं और आपको कभी नहीं मिलूंगी। आप बहुत ही घटिया आदमी हो और मैं अब नहीं डरती आपसे, आपकी गायत्री। कौन है ये गायत्री? हा? देखो सेजल, मेरे ऊपर ये कोई गलत इल्जाम है। मैं नहीं जान पाई गायत्री कौन है। मेरे होते हुए कौन तुम्हारी गायत्री? ये तोहफा दिया है तुम्हारी गायत्री ने तुम्हें? छोटे बच्चे की कटी हुई उंगली है सर। फॉर्मल्डिहाइड में रखी है, लगता है 5-6 दिन पुरानी होगी सर। उंगली काट के भेजा है, मतलब ब्लैकमेलिंग किडनैपिंग का केस लग रहा है सर। क्या आपके घर में, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं और ना ही ये पार्सल हमारा हो सकता है।
लेकिन आया तो तुम्हारे घर पर ही ना। अगर इसी एड्रेस पर आया तो और किसी का कैसे हो सकता है? चिट्ठी कहाँ है वो? सब जिसके लिए लिखी गई थी उसके पास ही होगी। अरे यार, क्यों मुझे मरवाने पर तुले हुई हो? सर चिट्ठी। आपको चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं कि ठीक घटिया आदमी हो और मैं नहीं डरती आपसे। आपकी गायत्री। सर हमें नहीं पता ये चिट्ठी में ये लड़की क्या बात कर रही है और हम गायत्री को नहीं जानते। सर जिसे ये पार्सल मिलने वाला था उसका नाम तो लिखा था मगर अब इसे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, पता तो लगा ही लेंगे। लेकिन इस गायत्री ने एक छोटे बच्चे की उंगली काट कर यहां भेजी है आपके पास, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं ये गायत्री कौन है? तो क्या उसके सपने में आया या आप लोगों का एड्रेस? मैं आपसे कह रही थी ना ये घर मत खरीदो। देखा भी क्या हुआ। तो क्या आप लोगों ने ये घर खरीदा है? कब खरीदा? सर हम तो 4 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए। सर कहीं ये पार्सल पहले वाले के लिए तो नहीं? कौन रहता था यहाँ पे? मेरा नाम धनराज है। 30 लाख तो क्या, तुम्हारे इस निकम में बेकार पति को मैं 30 फूटी कौड़ियां भी दे दूँ। अब पापा क्या क्या बोले जा रहे हो, आप सोच भी रहे हो? तुम्हारे इस घर के दामाद है, मेरे पति है। जैसे कि हीरा ढूंढ के लाई, एक तो मेरी मर्जी के बगैर शादी की, ऊपर से ये घर जवाई ला के बिठा दिया यहाँ पर। बस पापा अब आप शांत हो जाइए, मत लेके इनके मुंह। वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और मोनिका तुम दोनों भी जाओ यहां से। अब क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID? जी हाँ। कहिए। आपका जो पुराना घर है जिसे आपने मिस्टर जयंत को भेजा है वहां पे एक पार्सल आया है, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। भगवान उगली, ये तो किसी बच्चे की उंगली है। जी हाँ, और इसके साथ साथ एक चिट्ठी भी है, किसी गायत्री ने लिखी है चिट्ठी। कौन है ये गायत्री? सर हमारे तो पूरे खानदान में कोई दूर दूर तक गायत्री नहीं है। सर हमारे परिवार में कोई बच्चा नहीं है जिसकी ये उंगली है। बिना जान पहचान के कोई यूं ही ऐसी चिट्ठी भेज देगा क्या? चल कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे कि गायत्री ने चिट्ठी लिखी किसको और ये बच्चा है कौन। यार कब तक इसका पहरा देते रहेंगे? जब तक बॉस पैसा देता रहेगा तब तक। कटी हुई उंगली देखकर सदमा लगा इसे। नहीं सर, इसमें कोई लाफिंग गैस नहीं है। लाफिंग गैस? ये देख साउंड के, तुझे हमने सिर्फ इतना बताया कि गायत्री नाम की एक औरत ने एक बच्चे की उंगली काट दी, और तुझे हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं। यार सिर्फ इतना ही कहा है ना कि ये उंगली शायद 5-6 दिन पहले काटी गई है, क्योंकि सही सलामत है, सगना शुरू नहीं हुई है। उंगली तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड का क्या? फॉर्मेल्डिहाइड का क्या? हाँ क्या, ये देखो रिपोर्ट पढ़ो फॉर्मेल्डिहाइड की। क्या फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन 6 साल पुराना है? 6 साल? पंकज क्या हुआ?
लगता है फॉर्मल्डिहाइड पी गया है इसे। सर, इसने अभी अभी कटी हुई उंगली का फॉर्मल्डिहाइड सूंघा है। सालूम के साहब ने सूंघा, सालूम के साहब गए। पंकज ने सूंघा, पंकज आया। तब तुम भी सूंघ लो। नहीं सर, मेरी वाइफ ने कहा है हंसना मना है। सालूम के साहब, हमें इतना बेवकूफ मत समझिए। ये फॉर्मल्डिहाइड भले 6 साल पुराना हो, मगर इसकी कटी हुई उंगली थोड़ी 6 साल पुरानी होगी। फॉर्मल तो क्या? क्या और नहीं तो क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि इस गायत्री के पास 5-6 साल पुराना फॉर्मल्डिहाइड हो जिसमें उसने ये उंगली रखी। क्यों? अब चुप क्यों हो गए? पर यार वो क्या जब हैं? फॉर्मल्डिहाइड 6 साल पुराना तो उंगली भी 6 साल पुरानी हो गई। देखो बॉस, वो जो चिट्ठी गायत्री ने भेजी है ना, उस चिट्ठी पर जो स्याही है, मैं उस स्याही के अंदर घुसूंगा और पता चल जाएगा। आओ ये लो, सालूम के साहब अब चीटी बन के दिखाएंगे। कैसे? कुछ पी जाएंगे और क्या, चीटी बन जाएंगे। ओ, अगर चीटी नहीं बनेंगे तो इनके अंदर घुसेंगे कैसे, है ना? देखो चल, ये है क्रोमेटोग्राफ। लाइट वहां से निकलेगी और इस जाली पर पड़ेगी। ये खास किस्म की जाली, यहां पर लाइट का एक स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइट हो जाएगी सतरंगी और इस फिल्टर पर पड़ेगी। ये खास किस्म का फिल्टर है जहां से सिर्फ एक खास किस्म की लाइट की रेज ही इस चिट्ठी पर पड़ेगी जो गायत्री ने लिखी, और वो लाइट इस चिट्ठी पर जो स्याही है उस स्याही के अंदर घुस जाएगी। उस लाइट की वजह से इस स्याही के छोटे छोटे कण अचानक गर्म होना शुरू हो जाएंगे और उन कणों की उछल कूद यहां पर दिखाई देगी, और ये इस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल एक कंप्यूटर हमें पढ़ के बताएगा कि ये स्याही कितनी पुरानी। सालूकी, तेरा फिजिक्स का लेक्चर पूरा हुआ? हम कहानी शुरू करें? जरूर। ये देखो बॉस, ये लाइट उस जाली पर पड़ी और लाइट का स्पेक्ट्रम और ये खास किस्म की लाइट घुसी इस चिट्ठी पर। साल बस गायत्री ने चिट्ठी 6 साल पहले भेजी। गायत्री ने चिट्ठी लिखी 6 साल पहले और चिट्ठी पहुंची अब 6 साल बाद। सर, 6 साल पहले कटी हुई उंगली आज मिली। सर, न जाने इन 6 सालों में इस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ होगा। हाँ, 12-13 साल का तो हुआ होगा बच्चा। सर, इस गायत्री को हम ढूंढ निकालेंगे। गायत्री को भी और उस बच्चे को भी। बरुलपुर जाने का इंतजाम करो। हम घर तो दिखा दे रहे हैं आप लोगों को गायत्री का, लेकिन 9 साल हो गए जब वो इस बरुलपुर से गायब हुई है। गायत्री के माँ बाप किसी से उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करते। इतना तो बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ है, किसके साथ है। मुश्किल है साहब, पति पत्नी दोनों पूरे गाँव से कटे रहते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं, हम तो उनके दरवाजे पर जाएंगे नहीं, और हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए वो दरवाजा भी खोलेंगे। टेलीग्राम किसने भेजा? टेलीग्राम गायत्री ने भेजा। टेलीग्राम गायत्री ने? ए सरिता, सरिता रुक, चुप। कौन है भैया आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? और आपकी बेटी गायत्री को ढूंढते ढूंढते मुंबई से यहाँ आए। मुंबई से? पर गायत्री तो मुंबई में ही है, वो आपको वहाँ नहीं मिली? उसके इस चिट्ठी के हिसाब से तो 6 साल पहले आपकी बेटी गायत्री को यहाँ बुरलपुर में 6 साल पहले आना चाहिए था। तो लेटर लिखा था तो आई क्यों नहीं बेटा? कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई मेरी बच्ची? देखिए, आप लोगों को गायत्री के बारे में जो कुछ भी मालूम है हमें बताइए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे।
हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। वो मुंबई में कहाँ रहती थी? पता नहीं साहब, मेरी गायत्री 18 साल की थी तो भागे मुंबई चली गई। वो हमने और उसको उम्मीद ही छोड़ दी। अचानक एक दिन उसने फोन किया कि उसने वहां किसी के साथ शादी कर ली और एक गांव के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये बात है कब की? करीब 7 साल पहले की। उसके बाद आप लोगों का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ? एक बार उसने फोन किया था, उसने बताया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। पर साहब, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कैसी मुसीबत? पता नहीं साहब, वो खुद फोन करके ये बोलती थी, पापा मैंने आप लोगों की परेशानी मोल ले ली है। जिसके लिए उसने ये चिट्ठी लिखी थी उसी ने मुसीबत में डाल रखा होगा उसे। किस नंबर से फोन करती थी वो आप लोगों को? किसी दुकान से फोन आता था साहब, फिर अचानक फोन आ रहा है बंद हो गया मेरी बेटी का। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि उसने फोन करना बंद क्यों किया? साहब, हमने कई बार वहां फोन किया और एक दिन दुकानदार ने बताया कि वो मैडम अब यहाँ पे नहीं आती, शायद वो मोहल्ला छोड़कर चली गई। तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं मैडम। अच्छा, गायत्री के पति के बारे में कुछ पता है? कोई पता नहीं साहब पति के बारे में। अच्छा, गायत्री का एक बेटा भी था ना? नहीं साहब, उसका कोई बच्चा नहीं था, वरना क्या वो अपनी माँ को नहीं बताती? ठीक है, आप हमें उस दुकान का नंबर दीजिए और गायत्री का फोटो भी, हम पता कर लेंगे। ये क्या रे, तेरे को बच्चे को तैयार करने में इतना समय लगता है? अरे आ रहा हूँ भाई, नए कपड़े पहना रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ। पता नहीं यार ये बॉस को भी क्या हो जाता है, हर महीने में एक नया कपड़ा पहना कर उसका फोटो खींच के भेजने को कहते हैं। कमाल है। चल ना, ले तैयार हो गया। बेटा क्यों रो रहे तू? ये अंकल ने मुझे मारा। बेटा मत रो, अंकल को हम बाद में खूब मारेंगे, अब स्माइल दे। एक फोटो निकाल लेता हूँ तेरा। सर, पिछले 15 साल से हम धनराज के पड़ोसी थे। सर, हम उसकी रग रग को जानते हैं। सर, उसने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, तभी तो अपना घर वो कोड़ियों के भाव बेचकर भाग गया। तो ये कुमार जी मोहल्ले में पूरी बात बताते समय घबरा रहे थे, तो इनको यहाँ ले आए। सर, हम मोहल्ले में उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि बड़े खतरनाक लोग हैं सर, वो हम सबकी जान भी ले सकते थे। हाँ सर, उसका बदमाश दामाद सोहन और वो खुद बुड्ढा धनराज, अगर वो डस भी ले ना सर तो कोई पानी ना मांगे। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने आपके परिवार के साथ? सर, उनको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत घटिया लोग हैं सर, एक नंबर के क्रिमिनल है सर। मेरी बेटी की हालत देखिए ना सर, धनराज के बेटे ने इसकी जिंदगी खराब कर दी। रणवीर ने? नहीं सर, हम रणवीर की बात नहीं कर रहे हैं, उसका छोटा बेटा अमन की बात कर रहे हैं सर। एक मिनट, उनके घर में हमने एक ही बेटा देखा, रणवीर, लेकिन धनराज का दूसरा बेटा अमन है, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। सर, उन्होंने भी आपको सच नहीं बताया, भगोड़ा है अमन। सर, उससे मेरी शादी होने वाली थी और सगाई के दिन ही वो मुझे छोड़कर भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया सर। ये धनराज और उसका परिवार तो काफी शातिर निकला सर। बोलिए, गायत्री का फोटो दिखाओ इन्हें। सर, इसे कभी देखा उनके परिवार में? ये गायत्री? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, कोई बच्चा भी था उनके परिवार में? नहीं सर, कभी कोई बच्चा नहीं देखा। अभिजीत, ये अमन वाली बात मुझे गड़बड़ लगती है, क्या सामन के बारे में और कुछ बता सकती हो तुम? हाँ सर, अमन और उसके पापा की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वो एक गोरेगांव के रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। अभिजीत, तर गोरेगांव में जाकर पता लगाओ किस होटल में ये अमन काम करता था। ये तो बहन जी हैं। बहन जी? हाँ सब, सीधी सादी सी थी, हमेशा दुखी दुखी रहती थी, तो मैं इन्हें बहन जी कहता था। करीब 5-6 साल हुए हैं अब मेरी दुकान पे नहीं आती हैं।
आप बता सकते हैं कि वो इतना दुखी क्यों रहते थे? मैडम मुझे नहीं मालूम, ये तो उनके पति ही बता सकते हैं। आप उनके पति को जानते थे? नहीं साहब, उनके पति को तो कभी देखा नहीं, लेकिन अक्सर हर दूसरे दिन बहन जी मेरी दुकान पर अकेली ही आती थी। यहाँ से अपने गांव फोन करती थी, अपनी जरूरत का सामान लेती थी और चली जाती थी। उसके साथ कोई बच्चा भी आता था 5-6 साल का? नहीं साहब, मैंने कभी कोई बच्चा नहीं देखा इनके साथ। अच्छा, ये बहन जी रहती कहाँ पर थी? साहब अगर मुझे इनके घर का पता मालूम होता तो मैं अपने उधार के 2,500 रुपए वसूल नहीं कर लेता इनसे। सर अगर ये गायत्री हर दूसरे दिन यहाँ फोन करने आती थी तो इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं आसपास ही रहती होगी। ए, इतनी वाहियात फिल्म थी ना कि मैं तो पूरी पिक्चर में ही सोता रहा। अरे क्या बात है, तो और क्या, इतनी बकवास? अरे एकदम बकवास। अरे समझ नहीं। आप करना जरा ये फोटो देखिए, आप लोग इस औरत को पहचानते हैं? भाई साहब आप किसी और से जाके पूछ लीजिए ना, आप देख नहीं रहे हम लोग बातचीत कर रहे हैं? अरे भाई साहब एक मिनट फोटो देख लोगे तो क्या जाएगा आपका? क्यों भाई, जबरदस्ती है बताना। आप जबरदस्ती समझो या फिर मजबूरी, जरा ये फोटो देख के पहचानिए, हम लोग सीआईडी से। जी हाँ सीआईडी से। अब देखिए और बताइए। ये औरत, ये तो वही है ना सर, इसकी वजह से मेरे को बहुत मार पड़ी है सर, मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता, मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो भाई साहब। अरे नहीं भाई। अरे रुको। अरे नहीं। गायत्री को आप लोग ढूंढ रहे हैं? मगर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे मैडम गायत्री के बारे में हर आदमी कुछ ना कुछ नई बात बताएगा आपको। मतलब? अरे साहब उसको समझना बहुत मुश्किल था, गुंडे उसकी देखभाल करते थे, और तो और साहब उसको कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, ना ही उससे बात कर सकता था। वो रहती कहाँ थी? अभी तो कोई उसके घर में नहीं रहता, पिछले 6 साल से खाली पड़ा है, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। कोई नहीं, हम देख लेंगे। ये बताओ कि उसका घर कहाँ है? वो रहा गायत्री का घर। ये तो अमन साहब हैं सर। ये बहुत पहले यहाँ पर मैनेजर होते थे सर, बहुत खड़ूस थे, एक सेकंड चैन से नहीं बैठने देते। अच्छा ठीक है ठीक है, उनके बारे में हमें कुछ और बता सकते हो? हाँ साहब, सुना है कि इनके पिताजी के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए वो इतने बड़े बाप के औलाद होने के बाद भी यहाँ काम करते, और फिर किसी रईस लड़की से उन्होंने शादी कर ली और फिर शायद वो बेंगलोर चले गए। और क्या सर, करीब 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा मारे गए। तीनों मारे गए? सर सुना तो ऐसा ही था। उनकी पत्नी का नाम गायत्री था क्या? नहीं सर, गायत्री तो नहीं था, नाम तो कुछ और था सर, पहले याद था पर अब याद नहीं आ रहा मैं। तुमने बताया उनका बेटा भी था? हाँ सर, करीब 5-6 साल का था जब वो एक्सीडेंट हुआ था। थैंक यू वेरी मच। वो उंगली 5-6 साल पहले की कटी हुई है, किसी 5-6 साल के बच्चे की है, और अमन के बेटे का एक्सीडेंट भी 5-6 साल पहले हुआ था, और वो चिट्ठी भी 5-6 साल पहले लिखी है, तो ये बच्चा तो पोता निकला धनराज का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा भी जिंदा हो? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जरा बैंगलोर फोन करो और पुलिस स्टेशन से एक्सीडेंट के सारे रिकॉर्ड मंगवा लो, इस गायत्री का कुछ ना कुछ लेना देना है धनराज परिवार से। पर ये धनराज सारी बातें हमसे छिपा क्यों रहा है? क्या टाइमिंग थे? हम लोग यहाँ गायत्री के घर पहुंचने वाले थे कि किसी ने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। सर ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ मामला नहीं लगता है, लगता है बच्चा अभी भी जिंदा है, और ये मुझे वहां पे नजर रखे हुए था, इसीलिए उसे पता लग गया कि हम गायत्री के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हाँ मगर ऐसी क्या चीज थी यहाँ जो मुजरिम चाहता था कि हमारे हाथ ना लगे? ये घर सालों से बंद पड़ा है, गायत्री यहाँ पे रहती भी नहीं है, फिर ये धमाका करने की क्या जरूरत थी? जरा देखो आसपास, देखो कोई सुराग मिलता है। We'll be right back.
लगता है यहाँ पे किसी की लाश को गाड़ दिया गया था और उस कंकाल को नष्ट करने के लिए ब्लास्ट किया गया। मुझे नहीं चाहता था कि कंकाल हमारे हाथ लगे। काम करो, जितनी भी हड्डियां सब उठा लो और लाश की खोपड़ी भी ढूंढो, यहीं कहीं होनी चाहिए आसपास। इसके लाश को जला के नष्ट करने की कोशिश की गई है। तू एक ही हड्डी निकालते रहे ना, हम यहाँ खड़े खड़े भजन करते हैं। बॉस आप वक्त से पहले आकर के खड़े हो गए मेरे सर। ये हड्डियां किसकी है बता? ये हड्डियां एक लड़की की है। सर गायत्री के घर में लड़की की हड्डियां? कहीं कहीं हड्डियां गायत्री की तो नहीं? पता नहीं गायत्री की है या नहीं है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इस खोपड़ी पर चेहरा बना लेंगे। हाँ वैसे एक बात बताऊं, ये हड्डियां किसी 30 साल की उम्र की औरत की हड्डियां हैं और औरतों में 30 साल के बाद ही बदलाव आता है। तो फिर डॉक्टर साळुंखे, क्या हम इस खोपड़ी पर चेहरा बनाना शुरू करें? क्यों नहीं। वैसे एक बात बताऊं, जिस किसी ने भी गायत्री के घर में ब्लास्ट किया है उससे बड़ा गधा संसार में कोई और होगा नहीं। वो क्यों? सिंपल सी बात है, अगर वो ब्लास्ट नहीं करता तो ये खोपड़ी बाहर नहीं आती, और अगर ये खोपड़ी बाहर नहीं आती बॉस तो हम इस खोपड़ी पर चर्चा नहीं कर रहे होते। जैसे इसको थोड़ा वक्त लगेगा बॉस, कंप्यूटर को हर काम सोच समझ के करना पड़ता है, कहीं चेहरा गलत ना बन जाए। ये देखो बॉस। ए फॉर एप्पल। यार ए फॉर अमन। हाँ चेहरा बन गया बॉस। गायत्री, गायत्री के घर में घुस के किसी ने उसे मार दिया और उसे अपने घर में गाड़ दिया और गायत्री ने उस बच्चे की उंगली काट कर भेज दी, पर हुआ क्या उस बच्चे का? सर बैंगलोर पुलिस ने एक मेल भेजा है, लिखा है कि 6 साल पहले अमन अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था, कार पहाड़ से नीचे गिर गई और कार में आग लग गई। हाँ मगर इस फोटो में बच्चा भी है। पर सर मेल में तो बच्चे का कोई जिक्र ही नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि बच्चा जिंदा है। सर बच्चे ने गले में चेन भी पहनी हुई, और सर वही वाली चेन है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमन। पर सर अमन के बेटे की चेन गायत्री की लाश के पास मिली। अमन और उसके पत्नी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 6 साल पहले, गायत्री ने उनके बच्चे को पकड़ लिया, उसी की उंगली काट कर भेज दी, पर अब तो गायत्री ही नहीं रही, तो फिर वो बच्चा कहां गया? उस बच्चे को ढूंढना होगा, बचाना होगा, और इस धनराज की गर्दन पकड़नी होगी। बस बबलू ने एक निवाला खा लिया ना तो हमारा काम हो जाएगा। बबलू बेटा ले बेटा खाना खा ले। ये मेरे लिए? हाँ मुन्ना तेरे लिए ही है, ले खा ले। बॉस? हाँ बॉस। हाँ बस निकल ही रहे। हाँ बॉस आपका काम हो गया बॉस, चल निकल चल। धनराज जी क्या कह रहे थे आप लोग कि आपको उंगली के बारे में कुछ पता नहीं, गायत्री कौन है किसी को कुछ नहीं मालूम, आपके पूरे परिवार में कोई बच्चा है ही नहीं, तो फिर क्या ये, क्या ये झूठ पे झूठ बोलते रहे आप? आपको मालूम था वो उंगली किस बच्चे की है?
आप जानते थे गायत्री ने एड्रेस लिखने में कोई गलती नहीं की। आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपका एक और बेटा था अमन, जिसका एक 5-6 साल का बच्चा है? क्यों सर, जब मैंने उंगली देखी थी तो उसे लगा था कि वो शायद पोते की हो सकती है। सर बचा लीजिए उसे, सर बचा लीजिए, सर प्लीज बचा लीजिए उसे। वो किसी की कैद में है पिछले 6 साल से। उसने कहा है कि जब तक मैं उसे पैसे देते हूँ तब तक वो उसे जिंदा रखेगा। सर उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं किसी को बताऊं तो मेरे पब्लू को मार देगा। पापा, अमन का बेटा जिंदा है और आपने हमें भी नहीं बताया। मैं नाराज था अमन से, उसने भी मेरे मर्जी के खिलाफ शादी की थी, पर 5 साल के बाद उसका मुझे फोन आया और उसने माफी मांगी, तो मैं किसी को भी ना बताए बेंगलोर चला गया। फिर पोते बबलू को गले लगाया, उनको घर वापस आने को कहकर मैं वापस आ गया। मुझे क्या पता था कि वहां से आते आते उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बबलू उस एक्सीडेंट में बच गया है ना? उसे लगा था कि उन दोनों के साथ बबलू भी नहीं रहा, पर एक दिन किसी आदमी का मुझे फोन आया। उसने बबलू की आवाज मुझे फोन पर सुनवाई और कहा कि जब तक मैं उसे 10 लाख रुपया महीना देता रहूंगा तब तक बबलू जिंदा रहेगा। आपको ये कैसे लगता था कि उन्होंने बबलू को जिंदा रखा होगा? सर वो हर महीने मुझे बबलू के फोटोग्राफ्स भेजता रहा। सर एक मिनट, ये लीजिए सर। उस किडनैपर का फोन नंबर तो नोट किया होगा ना? नहीं सर, वो हर बार अलग अलग नंबर से फोन करता रहा, अब तक एक भी बार नंबर रिपीट नहीं हुआ सर। धनराज जी, ये किडनैपर तुम्हारे साथ पैसे का खेल खेलता रहेगा, झूठी उम्मीद दिलाता ही रहेगा, लेकिन अब ज्यादा दिन उसका ये खेल हम नहीं चलने देंगे। नहीं चलेगा उसका ये खेल। हेलो धनराज जी, मैं सोच रहा हूँ कि आपका पोता मैं लौटा दूँ। ओह तुम हो, भगवान तुम्हारा भला करे, प्लीज मेरे पोते को लौटा दो। हम भगवान के भरोसे पे नहीं रहते, तुम हमारा भला करोगे और हम तुम्हारा। हाँ हाँ, मैं हमेशा की तरह पैसे लेके आऊंगा। वो लोग कहाँ आना है? अभी आता हूँ। नहीं अभी नहीं, कल सुबह ठीक 7 बजे कल्लू गैरेज, और इस बार 10 करोड़ लेकर आना। 10 करोड़? हाँ 10 करोड़। पर इतने सारे कैश पैसे मैं कहाँ से ले आऊंगा? इसीलिए तो 12 घंटे का समय दे रहा हूँ ना। और सुनो, कोई चलाकी नहीं, वरना अपने पोते से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं प्लीज, कुछ भी मत करना मेरे पोते को, मैं पहुँच जाऊंगा 7 बजे के पहले ही पहुँच जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, कल्लू गैरेज ही तो बोला था, यहाँ तो कोई नहीं। हेलो हेलो, कोई है? पापा रणवीर, रणवीर तुम यहाँ क्यों आए? पापा मैं आपको किडनैपर से अकेले मिलने कैसे आने देता? रणवीर तुम्हें पता है उसने कहा था कि मैं अकेला ही यहाँ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो बबलू को कुछ भी कर सकता है। रणवीर जाओ, भागो, तुम भागो। पापा अगर मैं ही यहां से चला गया तो आपको आपके लाडले पोते से कौन मिलाने वाला है?
क्या तुम? यहाँ मैं ही आपके पोते को 6 साल से पाल रहा हूं। क्या कह रहे हो रणवीर? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अरे अरे पापा आराम से शांति, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपका पोता बिल्कुल ठीक ठाक है। ले आओ रे। दादाजी, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो घर चलते। अरे रुकिए पिताजी, रुकिए। जाते जाते जरा इन कागजात पे साइन करते जाइए, देख लीजिए। वो क्या है ना कि ये सब हो जाने के बाद आप और मैं एक साथ तो रह नहीं सकते, तो आपका घर और फैक्ट्री मेरे नाम कर जाइए और दफा हो जाइए। तुझ जैसे विश्वासघातकी को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। दोगे पापा दोगे, जब आप बिना देखे अपने पोते के लिए करोड़ों रुपए दे सकते हो तो देखने के बाद तो इतना दे ही दोगे। नहीं मिलेगी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अच्छा देखते क्या कर रहे, सोच लीजिए। दादाजी नहीं, मैं बुड्ढे सैंकर दोबारा मौका नहीं दूंगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट काटने चले थे तुम, सारे अंडे एक साथ चाहिए थे हैं? धनराज जी को फोन करके यहां बुलाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। गायत्री ने वो चिट्ठी इसी जल्लाद के लिए लिखी थी, इसने शादी की थी उससे। अब बता क्यों किया तूने ये सब? कोई औलाद नहीं थी इनकी, तभी इन्होंने मुझे गोद लिया था। लेकिन फिर अमन के हो जाने के बाद मैं इन पर बोझ बन के रह गया था। मैंने तुम्हें कभी अमन से कम नहीं समझा बेटे। झूठ बोल रहे हो तुम। अमन ने इनकी मर्जी के बगैर शादी की थी और वो घर छोड़ के चला गया। तो मुझे लगा शायद अब मुझे मेरा हक मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सुलह करके आ गया उसके साथ। इसलिए तुमने अमन को एक्सीडेंट में मरवा दिया? हाँ, लेकिन उस एक्सीडेंट में अमन का बेटा अंकित बच गया था। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी बच्चे के जरिए मैं इस पैसे के पुजारी से पैसा निकलवाता रहूंगा और एक दिन इनको कंगाल बना दूंगा। गायत्री तो तुम्हारी पत्नी थी, उसको क्यों मारा? सर, मुझे लगा वो अंकित को मेरे हिसाब से संभाल लेगी, लेकिन नहीं, उसे उस पर दया आने लगी। मेरे इतने दबाव देने के बाद ही उसने इसकी एक उंगली काटी थी और उसके बाद मुझे धमकाने लगी। कहती है कि अंकित को जल्दी से घर छोड़ दो वरना मेरा भांडा फोड़ देगी, मेरा, अपने पति का। इसलिए तुमने उसे भी मार के वहां घर में गाड़ दिया? हाँ, क्योंकि मैंने चाहता
कि मेरी तरफ आराम से आने वाले पैसों के बीच में कोई भी रुकावट बन जाए। रुकावट तो आनी ही थी रणवीर, जुर्म के रास्ते में रुकावट डालने और मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीआईडी बनी है। तीन तीन खून करने और बच्चे की किडनैपिंग के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।